In that case, here we are providing variable declaration inside body of switch statement. Already discussed किया previous session में C language के अंदर variable declaration किसी भी place पर provide करना possible but top of the block. Block means just after opening braces. Means चाहे opening braces if का part हो, switch का part हो या फिर functions का part हो या फिर simply local block. सभी केस में opening के just और variable declarations कैसे always valid variable declaration, therefore it is valid statement. Next one, default ke case mein discuss kiya tha, default statement switch ke body session ke andar kisi bhi place par provide karna possible hai, is end of the switch, middle of the switch or top of the switch, there is no matter. Next one, identify what is the output of this examples. जैसे इस केस में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, सबसे पहले परफॉर्म क्या करेंगे, मेमोरी एलोकेशन फॉर लोकल वेरिएबल्स ऑफ करंट ब्लॉक. इस केस में प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन वन बाय वन एग्जीक्यूट कराऊंगा. सपोज दैट मेमोरी एड्रेस ऑफ दिस ब्लॉक इज 100 98 96 एंड सो ऑन लाइक दैट. व्हाट इज द आउटपुट ऑफ गिवन प्रोग्राम, आउटपुट में जस्ट स्पीक राउंड ऑन दैट प्लेस. इस केस में देखा जाए करंटली कोई भी कंपाइल टाइम एरर मैसेज नहीं हुआ. फर्स्ट वन, सबसे पहले जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल मेन फंक्शन के अंदर एंटर हुआ, अभी करंटली कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर एंटर हुआ, देन मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म कर रहा है ओनली फॉर लोकल वेरिएबल ऑफ द दैट ब्लॉक. इस ब्लॉक के अंदर ओनली सिंगल लोकल वेरिएबल डिफाइन किया आई. इस केस में आई क्रिएट होगा टॉप ऑफ द स्टैक विद इनिशियल वैल्यू गार्बेज. ऑलरेडी डिस्कस किया किसी भी वेरिएबल्स का डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या रहता है, ऑलवेज गार्बेज वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल्स. देन इसके जस्ट पर जैसे ही इसे स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, देन आई इज इनिशियलाइज्ड बाय 4. इस करंट वैल्यू क्या आएगा, 4. नेक्स्ट वन, कंट्रोल सेकंड स्टेटमेंट पर सेंड हुआ. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या, स्विच. स्विच के अंदर सप्लाई किया आई और आई के प्लेस पर सप्लाई क्या हुआ, 4. 4 इज आई. देन इसके जस्ट बाद अगेन 4 सप्लाई होने के जस्ट बाद कंट्रोल सेंड हुआ अगेन इनसाइड बॉडी ऑफ स्विच. स्विच के बॉडी के केस में मैंने एक्सप्लेन किया था, स्विच के बॉडी के अंदर किसी भी टाइप के स्टेटमेंट आउटसाइड केस भी प्रोवाइड करना पॉसिबल, लेकिन इस स्टेटमेंट का कभी भी एग्जीक्यूशन परफॉर्म नहीं हुआ. लेकिन लोकल वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में रूल क्या था, जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल किसी ब्लॉक में एंटर होगा, देन परफॉर्म क्या हुआ, मेमोरी एलोकेशन फॉर लोकल वेरिएबल ऑफ दैट ब्लॉक. करंटली इस ब्लॉक के अंदर लोकल वेरिएबल्स कितने डिफाइन है, एक्स. स्टैक के टॉप प्लेस पर एक और वैल्यू क्रिएट हो गया एक्स विद इनिशियल वैल्यू गार्बेज. लेकिन जैसे ही कंट्रोल ब्लॉक के अंदर एंटर तो हो चुका है, लेकिन एंटर होने के जस्ट बाद आई का वैल्यू सबसे पहले मैच किससे हुआ, ऑल केसेस, केस वन केस टू. आई का करंट वैल्यू 4 है, किसी भी केस से मैच नहीं हो रहा. अगर कोई भी मैचिंग केस फाउंड नहीं होता, देन उस केस में चांस केस को प्रोवाइड हुआ डायरेक्टली डिफॉल्ट स्टेटमेंट. मीन्स इस केस में कंट्रोल डायरेक्टली जब स्विच के अंदर एंटर हुआ, तो स्विच के अंदर केस मैच होने के जस्ट बाद फाइनली चांस किसको प्रोवाइड हुआ, डिफॉल्ट ब्लॉक. मीन्स स्टेटमेंट डिक्लेरेशन का पार्ट हुआ, लेकिन कभी भी एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं हुआ, लेकिन मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म हुआ बिकॉज एक्स ब्लॉक के अंदर है. तो ब्लॉक के अंदर इसलिए एक्स क्रिएट हुआ, लेकिन एक्स का इनिशियल वैल्यू क्या है, 10 और गार्बेज. इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स इज गार्बेज. अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता देन एक्स में क्या साइन होता, 10. लेकिन इस स्टेटमेंट को चांस ही प्रोवाइड नहीं हुआ, लेकिन लोकल वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म हो रहा है. नेक्स्ट वन, डिफॉल्ट ब्लॉक के अकॉर्डिंग डिस्प्ले क्या हुआ, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ एक्स. करंटली एक्स का इनिशियल वैल्यू क्या, गार्बेज. इसलिए डिस्प्ले क्या हुआ, सम अननोन और गार्बेज वैल्यू, मीन्स एनी अननोन नंबर्स. नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद कहीं ब्रेक स्टेटमेंट फाउंड नहीं हुआ, इसलिए कंट्रोल कहाँ सेंड होगा, इनसाइड नेक्स्ट लेवल विदाउट मैचिंग एनी केस. मीन्स एक बार केस मैच हो जाए, उसका रिमेनिंग केस डायरेक्टली एग्जीक्यूट होंगे लाइक दैट मैनर्स, लाइक दैट. तो इस केस में नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एक्स इक्वल्स टू 5. नाउ एक्स इज इनिशियलाइज्ड बाई 5. एक्स में आसान क्या हो चुका है, 5. नेक्स्ट टाइम जब प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले क्या हुआ प्रिंट एफ के थ्रू, वैल्यू ऑफ एक्स. करंटली एक्स का वैल्यू 5 फाउंड हो रहा है, इसलिए जस्ट गार्बेज के बाद नेक्स्ट लास्ट वैल्यू का प्रिंट हो गया 5. नेक्स्ट स्टेटमेंट पर जब कंट्रोल सेंड हुआ, फाउंड क्या हुआ, ब्रेक. तो ब्रेक से कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ, आउटसाइड बॉडी ऑफ स्विच स्टेटमेंट, मीन्स दैट प्लेस. मीन्स फाइनली इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या, गार्बेज एंड 5. अगेन याद रखना, इस केस में एक्स का डिक्लेरेशन हुआ है
प्लस मेमोरी एलोकेशन भी परफॉर्म हो रहा है, लेकिन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं था, इसलिए एक्स का इनिशियल वैल्यू क्या था, गार्बेज। अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता देन एक्स में इनिशियली असाइन किया होता वैल्यू एज 10, फाइनल आउटपुट क्या, गार्बेज एंड 5।